गाइस देखो टाइटल और थंबनेल देखे तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा गाइस कि आज मैं इस वीडियो में ना मैं ये फैशन ब्रांड के फ्लिप फ्लॉप्स को रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग भाई ये ना ये फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में कि भाई कंपनी फैशन ब्रांड जो है ना भाई ये क्लेम करती है कि ये फ्लिप फ्लॉप्स के जो सोल है ना भाई, मतलब जब सोल का जो मटेरियल है ना इसमें ना इस मटेरियल में ये लोग बेसिकली जो ये रबर टायर जो होता है ना उसको भी रिसाइकिल करके यूज में ले रहे हैं। आई वाज लाइक भाई कि इंडियन कंपनी हो गया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अगर ला रही है भाई तो मतलब मुझे ऐसा लगा अंदर से यार कि अपने को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए यार। अब मैं इस ब्रांड का अक्रॉस कैसा है गाइस, एक्चुअली मैं फेसबुक ब्राउज कर रहा था यार, एट दैट टाइम आई कम अक्रॉस दिस ब्रांड फैशन। और गाइस इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि ये लोग जो रिसाइकिल करते हैं रबर टायर को, तो भाई तो मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आई यार। क्यूरियोसिटी ये है कि मैंने को काफी सारे इंडियन ब्रांड्स को अनबॉक्स और रिव्यू किया है मेरे चैनल पे। और ये स्लीपर में थोड़े और रिसर्च किया ना भाई, तो ये मेरे को Amazon Flipkart एज ऑफ नाउ तो मेरे को नहीं देखने मिला गाइस। तो मैंने मतलब जब और थोड़ा वो पोस्ट के अंदर गया ना बेसिकली फेसबुक वाली पोस्ट पे, तो मेरे को उसमें देखा कि उन्होंने अपनी कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, fashion.in। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना गाइस, कोई भी अपन ऑफिशियल वेबसाइट से जब अपन ऑर्डर करते हैं ना भाई क्या होती है पता है क्या, कि भाई उस कंपनी की रिटर्न पॉलिसी क्या है भाई। तो इसकी जो रिटर्न पॉलिसी जब मैंने देखी भाई, तो कंपनी तो कहती है भाई कि 5 दिन तक तो अगर आपको कोई पसंद नहीं आए ना ये स्लीपर तो आप इसको नो आस्क क्वेश्चन पे इसको रिटर्न कर सकते हैं। और एक खास बात ये थी भाई कि ये फ्री शिपिंग थी यार, विच डेफिनेटली मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट किया भाई। मैंने एक काम कर देना यार, चलो अपने ब्रांड के स्लीपर मंगा ही लेंगे, उसको रिव्यू कर लेंगे। और गाइस मानो मेरी बात, जब पैकेज मेरे पास आया ना भाई कंडीशन वाइज बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में आया। जनरली मैंने देखा Amazon Flipkart से जब मैं पैकेजेस कोई मंगाता हूं ना भाई, तो बहुत दफा मैंने देखा है कि या तो फिर वो भुस्त हो जाता है या तो फिर वो काफी अच्छे कंडीशन में आता है। भाई इन केस ऑफ फैशन ब्रांड ना भाई बॉक्स की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी आई है। तो गाइस इस तरीके से फ्लिप फ्लॉप्स आए मेरे पास, और मैं मानो मेरी बात यार अंदर का भी जो बॉक्स था ना बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है भाई, मतलब समझो मेरी बात बहुत ही ज्यादा लेलन टॉप कंडीशन में है। के अलावा गाइस एक सबसे अच्छी बात यार मेरे को ये लगी ना भाई कि फैशन ब्रांड अपने को ना यहाँ पे एक बहुत स्पेशल फील करवाता है, अपने को ये थैंक यू कार्ड इसमें देता है। डेफिनेटली बात यार थोड़ा सा प्रीमियम ने जिसकी वजह से भी ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है यार कि कंपनी को अपने कस्टमर्स की फिक्र है यार। सबसे पहले गाइस अब इस ब्रांड के ये स्लीपर जो फ्लिप फ्लॉप जो है ना भाई, आप इसका कंप्लीट लुक देख लो यार, लुक वाइज काफी ज्यादा सोबर, काफी ज्यादा अच्छे, काफी ज्यादा डिसेंट लग रहे हैं यार। मतलब यार पहली दफा मैं किसी ब्रांड को अगर देखूंगा और मैं ऐसे रैंडमली मंगाऊंगा तो मेरे को मतलब ऐसा काफी दफा कम देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है भाई देखो इंडियन ब्रांड्स में काफी ज्यादा और भी दिग्गज ब्रांड है, तो अपने को अज्यूम हो जाता है कि चलो उनके अच्छे आते होंगे, बट उसके अलावा अगर किसी ब्रांड के मंगाए तो भाई वो कैसे आते होंगे। बट आफ्टर सीइंग दीज फैशन ब्रांड फ्लिप फ्लॉप्स ना भाई, तो अपने को भरोसा थोड़ा सा रिटेन हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है भाई कि जो वेल नोन ब्रांड्स है वो अपनी जगह पे है, लेकिन और भी काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे एंड दे आर रियली डूइंग गुड वर्क। भाई रिसाइकल टायर वाला तो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकालना ही मत। गाइस ब्रांडिंग देख लेंगे फटाफट, देखो ब्रांडिंग आपको देखा पीवीसी स्टिकर यहां पे यूज किया हुआ है, उसके अलावा बॉटम पे यहां पे ब्रांडिंग मिल जाएगी फैशन की, उसके अलावा आउटसोल पे आप देख सकते हैं पूरे पैर पे आपको यहाँ पे फैशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरे वाले पे अगर हम देखेंगे ना गाइस, तो यहां पे अपर बेल्ट पे जो निवार जो यूज किए यहां पे इन्होंने फैशन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे इनका बॉटम पे यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे फैशन का लोगो, सोल पे यहाँ पे कहीं भी ब्रांडिंग नहीं है। इन फ्लिप फ्लॉप्स का गाइस जब मैंने डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा था ना वहाँ पे, तो बहुत 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 ज्यादा स्पेसिफिक था यार, इको फ्रेंडली, 100% वेगन, लाइट वेट, कंफर्टेबल, सस्टेनेबल। तो भाई वो चीज मेरे को सारी देखो, लाइट वेट तो डेफिनेटली है उस चीज में प्रूव होता है गाइस, तो कंफर्टेबल वाइज ऐसा ना गाइस, जब मैंने इसकी जीपी शीट जो ये लोग यूज कर रहे हैं ना ये बॉटम के लिए दोनों स्लीपर्स ही भाई, तो काफी ज्यादा अच्छी बाउंसीनेस है इसमें। इन शॉर्ट गाइस अगर आप अगर ऐसा कोई स्लीपर ढूंढ रहे हो ना मेरे भाई की, अगर जो आपको सॉफ्ट बॉटम वाले स्लीपर चाहिए, तो भाई ये डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा खरा उतरता है, ठीक है। चलो गाइस मैं अपर की बात करूं गाइस, तो अपर यहाँ पे देखो निवार ये लोग ने इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो 550 वाला जो है ना, इसमें बेसिकली ये लोग ने निवार के साथ यहाँ पे पीछे एक ईवा की फोम शीट भी इसमें लगाई गई है, ठीक है, तो थोड़ा और भी स्मूथनेस लगेगा आप जब पैर डालोगे इसमें। अब गाइस अगर मैं इन स्लीपर्स के सोल की बात करूं ना भाई, तो कंपनी तो काफी कह रही है, पता है कि लोग रिसाइकल टायर मटेरियल को भी यूज किया ये सोल बनाने के लिए, व्हिच इज डैम अप्रिशिएटेड भाई। जब मैंने इसको हाथ में लेके जब इसको फील भी किया है ना भाई, तो अपने को कहीं भी ऐसा अटपट आने लगता, अपने को ऐसा नहीं लगता कि भाई कुछ टायर वगैरह यूज किया है तो क्या इसमें ज्यादा स्मेल वगैरह आ रही है या इस तरीके से कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब गाइस जो रेगुलर फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह टाइप का जो टेक्सचर बोलो या इस तरीके से जो दिखता है ना भाई, ये सेम एज इट इज वैसे ही दिख रहा है। मतलब गाइस अगर उसी लुक में अगर ये लोग अपने को ये रिसाइकल टायर वाला कॉन्सेप्ट देते ना भाई, तो वो डेफिनेटली अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए। एट द एंड गाइस ये फैशन ब्रांड डेफिनेटली बात है काफी ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है प्लैनेट को क्लीन होने के लिए। अब भाई इस टाइप की जो फैब्रिकेटेड स्लीपर्स जो होते हैं ना भाई, इसमें काफी ज्यादा पेस्टिंग वगैरह की जाती है, ठीक है, ये बॉटम शीट को ये एक और शीट से यहाँ पे पेस्ट किया जाता है, उसके बाद वापस ये आउटसोल से भी पेस्ट किया जाता है, ठीक है।
तो मानो मेरी बात भाई, इस फ्लिप फ्लॉप्स में ना भाई मैंने कहीं भी ये ऑब्जर्व नहीं किया भाई कि पेस्टिंग वगैरह बाहर कहीं भी जा रही है, ठीक है, विच इज रियली डैम गुड थिंग। और गाइस ये दोनों स्लीपर जो मैंने पहन के चला ना भाई, तो कंफर्ट वाइज बहुत ज्यादा ऑप्टिमम था, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को। बाउंसीनेस काफी अच्छी लगी मेरे को जीपी सीट की, और लुक वाइज काफी ज्यादा सोबर लगा। मतलब गाइस पहली दफा हुआ गाइस कि मैंने कोई ऐसे ब्रांड के मैंने स्लीपर्स मंगाए ना, मेरे को काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन लगा, ऐसा लगा हाँ भाई कंफर्ट काफी ज्यादा अच्छा है इसका। मतलब भाई इंडियन ब्रांड होकर कोई इस तरीके का काम करता ना भाई, रिसाइकल्ड रबर टायर कॉन्सेप्ट, मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है ना सुनने। अगर गाइस आप रेगुलर ब्रांड्स में बोर हो चुके हो ना स्लीपर्स वगैरह देख के और आपको ये लुक अगर आपको पसंद आता ना भाई, क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं भाई, ये फ्री शिपिंग है, ठीक है, एट दिस रेट। तो गाइस इस तरीके से मैं अपने चैनल पे फुटवेयर रिव्यूज करता हूं, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।